चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, तन्मय से, जिनके ऑल इंडिया 363 रैंक है और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है। ये यूपी बरेली से हैं। तो तन्मय, सबसे पहले आपको एनआईटी भोपाल और इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तन्मय, ये जो मैं सेशन लेता हूँ, ये सेशन, हर एक सेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के लिए बड़ा काम का होता है, और किस बच्चे को किस बच्चे की बात स्ट्राइक करती है, किसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, पता नहीं होता है। तो तन्मय, आपने ये जो रैंक है फाइनल ईयर के साथ रहते हुए बनाई हुई है और घर पर रह के ऑनलाइन रह के प्रिपरेशन इतने अच्छे से की है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी जो है वो जरूर बताएं, जिससे कि कहीं जो जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सीखें। क्योंकि मैंने देखा हर बच्चे का एक्सपीरियंस, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है, तो इसमें आप ये जरूर बताइएगा कि आपने निमसेट कब प्लान किया था, फिर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अभी निमसेट 2021 में हर सेक्शन में लगभग आपका क्या स्कोर था? सर, जब 11 ट्वेल्थ में पीसीएम ऑप किया था तो तभी से ही मतलब मुझे पता नहीं क्यों अंदर ये था कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। तो मैंने कभी बीटेक का प्रिपरेशन भी नहीं किया, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जेई तो नहीं देना है। तो जेई की प्रिपरेशन स्किप करी, फिर बीसीए के बारे में पता चला, बीसीए ज्वाइन किया, और बीसीए ज्वाइन करने के विद इन 1 मंथ मुझे निमसेट के बारे में पता चला। तो मैंने कहा कि ये तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा आउटकम देगी, क्योंकि एनआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैंने ये सोच लिया था कि मेरे बीसीए के थर्ड ईयर में निमसेट की फुल प्रूफ प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं देखना है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में खूब मेहनत, मतलब मजे कर लिए, जितना भी घूमना फिरना था सब कर लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा बीसीए था, तो पूरा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह कर लिया। उसके बाद थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे पता था मुझे गायब होना है, और मैं हुआ भी, और सेकेंडली थोड़ा लॉकडाउन वगैरह भी लग गया, तो उसके लिए वजह से भी थोड़ा सेपरेटेड रहे सब लोग। तो थर्ड ईयर में आते ही, घुसते ही जब लॉकडाउन लग गया था, तो बिना देरी करे हुए मैंने तुरंत इम्पेटस गूगल का ऑनलाइन कोर्स ले लिया और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी। उसके बाद सर मैंने और मतलब और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, ना मैंने कोई आज तक बुक सॉल्व करी है, ना मैंने कुछ और किया है, सिर्फ आपका बताया हुआ फॉलो किया, डीपीज वगैरह सॉल्व करे, टेस्ट अच्छे से दिए, एनालिसिस करना सीखा। पहले तो पता ही नहीं था एनालिसिस करना कैसे, बस टेस्ट देते रहते थे, एनालिसिस करना सीखा, फिर आपके आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे करना था करता गया, और कोई मैंने बुक अलग से सॉल्व नहीं करी सर। तो ये बात काफी अच्छी बताई तन्मय। कई बच्चे देखिए, आप देखो तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कौन सी बुक कौन सी बुक कौन सी बुक, और मैं हमेशा अपने हर सेशन में बोलता हूँ बुक से कई इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। एक बार अच्छे से कंसेप्ट बना लो कि बुक सॉल्व होने लगे, बुक सॉल्व करके कंसेप्ट बने ना बने, पर कंसेप्ट बन गए तो बुक सॉल्व हो जाएंगी। तो तन्मय, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपने पूरी तरह से एक कंसेप्ट बनाया, जो मटेरियल दिया गया उसको, और सबसे खास बात जो आपने बोली कि टेस्ट पेपर के एनालिसिस को बहुत अच्छे से किया। दूसरा, आपने पहले सोच रखा था कि फाइनल ईयर में आइसोलेटेड हो जाएंगे, और अब बाई चांस की बात है कोविड ने भी काफी हद तक ये सपोर्ट कर दिया, तो वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो अपने आप ही हो गया। तो तन्मय, आप लगभग रोज कितने घंटे अपने आप को पढ़ाई को देते थे, और कॉलेज की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने? सर ऑनेस्टली बताऊं तो घंटे तो मैंने कभी गिने नहीं थे, मतलब कभी ऐसा हो जाता था कि सुबह, क्योंकि 8 बजे प्रतीक सर की क्लास लगती है, तो सुबह अपना 7:30 पे उठे, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए और अपना क्लास किया। उसके बाद कभी हो रहा है कि दिन भर लगातार पढ़ ही रहा हूँ, रात शाम को फिर आपकी क्लास करके फिर उसका भी पढ़ रहा हूँ। कभी ऐसा भी होता था कि नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दोनों क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेन था कि क्लास जरूर अटेंड करता था, क्लास कभी मिस नहीं करी। और बाय चांस कभी करनी पड़ गई तो ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो बाद में क्लास को देख जरूर लेता था। कभी ऐसा नहीं कि क्लास स्किप हो गई तो फिर वो स्किप ही हो गई हमेशा के लिए, आगे तभी बढ़ो जब वाला क्लास हो जाए। तो उसके अलावा सर बाकी जो बीसीए का प्रिपरेशन है वो तो सर उसमें भी ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रेस होता है, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तब तो कोई खास ऐसा नहीं होता। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के देख ही लिया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ डेज जो ग्रेजुएशन में लगाए पर सेमेस्टर वो कम होते ही गए, एंड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में तो सिक्स सेमेस्टर में बिल्कुल ही जस्ट एग्जाम से थोड़ा पहले पढ़ के एंड अच्छा खासा स्कोर कर दिया। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से बेटर मेरा सेकेंड हाफ ही गया था। तो ये जो कॉलेज का बैरियर मुझे लगता है कि बच्चे बस माइंड में बना लेते हैं, मैंने बस ये सोचा हुआ था कि जब मैं फर्स्ट हाफ में नहीं पढ़ा तो सेकेंड हाफ में इसको निमसेट का बैरियर क्यों बनाऊं। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली तन्मय कि सही में कई लोगों के मन में मतलब मेंटली ब्लॉकेज होता है, वो एक तरह से बोल सकते हैं हम कि अरे फाइनल ईयर है कैसे करेंगे। जैसे अगर किसी का माइंडसेट है, जैसे आपका माइंडसेट था
तो उस बात को आपने दिमाग में रखा और इनफैक्ट आपका स्टार्टिंग से ज्यादा आपने फाइनल में परफॉर्म किया। और मैंने खुद भी देखा है जो बच्चे फाइनल ईयर या सेकंड ईयर के साथ एमसी की पढ़ाई जुट जाते हैं निमसेट की प्रिपरेशन, उनका आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई फाइनल ईयर का रिजल्ट बिगड़ता नहीं बल्कि इम्प्रूव ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम निमसेट की तैयारी करते हैं तो एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं यार निमसेट के लिए परसेंट मेंटेन रखना है, पढ़ाई भी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा बल्कि वो फोर्स करता है आपको कि आप कॉलेज के लिए भी अच्छा पढ़ें, मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। कुछ लोग कॉलेज के नाम पे एमसीए की पढ़ाई या कॉम्पिटेटिव पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और कॉलेज की पढ़ाई भी उतने सीरियसली नहीं करते और इस वजह से कई बार परसेंट बिगड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मतलब कॉमन सिनारियो है। राइट सर, राइट। तो तन्मय आपका मुझे आपने काफी क्योंकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं था, 11th 12th में डिसाइडेड था इंजीनियरिंग में नहीं जाना, फिर 12th के बाद बीसीए के बाद तुरंत पता चल गया। और देखिए यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कई लोगों को यही नहीं समझ में आता कि उन्हें करना क्या है और ऐसे लोग अक्सर भटकते हैं। पर जिनको ये क्लियरिटी रहती है या क्लियर थॉट रहते हैं कि मुझे करना क्या है, वो अक्सर मैंने देखा है कि जो जैसे जो बच्चा 9th 10th में जेई की प्रिपरेशन करता है वो अक्सर 12th के साथ आईआईटी में सिलेक्ट हो जाता है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से प्लान कर लेता है कि मुझे आगे जाके करना है, वो ग्रेजुएशन के साथ हो जाता है और वही आपका रिजल्ट रहा। तो तन्मय मैं एक चीज और चाहूंगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग है कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में, उनको क्या मैसेज दोगे? सर मेरा मैसेज तो बस यही है कि ऑब्वियसली क्योंकि हम बीसीए कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स है, आगे आईटी वर्ल्ड में ही जाना है सबको, मतलब ऑलमोस्ट सबको, स्पेशली जो एमसीए सोच रहे हैं उनको तो जाना ही जाना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो फर्स्ट टू ईयर्स हैं उसमें अपने कोर सब्जेक्ट्स में एकदम अच्छे से फोकस करें, ऐसे पढ़ें कि ट्राई करें उसको आप भूलें ही ना, उसको कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद थर्ड ईयर को हल्का सा लाइट लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमको निमसेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाएगा ही जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को थोड़ा लाइटली आप ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपने पहले दो सेमेस्टर में अगर अच्छे से पढ़ लिया फर्स्ट टू ईयर्स में, तो फिर आपकी परसेंटेज तो मेंटेन है ही। उसके बाद बस थर्ड ईयर को अच्छे से निमसेट को दे दें और जितना अच्छा कर सकते हैं करें। मैंने तो ये सोचा था कि मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं था, जो आप बताते थे सब करता था। ऑब्वियसली कभी कभार मैं थोड़ा निकल जाता था तो फिर उसको अलग से फिर मुझे कवर करना पड़ता था क्लासेस को, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सब किया। तो फिर इस उसमें ना रहे कि जब कोचिंग ज्वाइन कर ही लिया तब तो हो ही जाएगा, अपना टाइम तो देना पड़ेगा और पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स गिनने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली तन्मय, अभी आपने दूसरी बार भी पहली बार भी आपने बोला था आपने कोई क्लास एक तो स्किप नहीं करी, कोई स्किप हो जाती थी तो आप देख लेते थे। मैं हर बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ, किसी की सफलता में अगर सबसे बड़ा कोई एक फैक्टर होता है वो होता है उसकी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये तीनों मैंने आपकी जितनी बातें सुनी उसमें आपने काफी हद तक मेंटेन रखा और यही रीजन है कि आपको ड्रॉप वाले समय के लिए नहीं सोचना पड़ा। तो ये बहुत खुशी की बात है तन्मय, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया क्योंकि अब आप एनआईटी भोपाल में हो, अभी इनफैक्ट भोपाल कॉलेज नहीं खुले हैं। तो अगला जो मैं सेशन आपका लूंगा जब आप भोपाल आओगे तो एक बार फिर से हम बच्चों के साथ मिलेंगे और आप भोपाल में बच्चों से भी मिलोगे और मेरे से भी मिलोगे। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।